हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नई वीडियो में जो कि है मॉडल वर्ब। और आज मैं कवर अप करने वाली हूँ नया मॉडल वर्ब जो है वो वलन। वलन का मतलब होता है वांट। वांट मतलब चाहना, कि हम लोग क्या करना चाहते हैं। तो चलिए जल्दी से देखते हैं इसके कॉन्जुगेशंस। इश विल, आई वांट, डू विल्स्ट, यू वांट, ए विल, ही वांट्स, जी विल, शी वांट्स, as will, it wants, we are wollen, we want, ear vault, the wollen. अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। We are wollen in winter in the berg fahren. We are wollen, यहाँ पर conjugate हुआ है, फोन नंबर पर आप देख सकते हैं। We are wollen means we want to go to the mountains in winter. Berg means अब होता है mountains. We want to go to the माउंटेंस इन विंटर, हम विंटर में, हम सर्दियों में पहाड़ों पर जाना चाहते हैं। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर जैसे पहले मॉडल वर्ब का था, हमेशा मॉडल वर्ब जो है सेकंड पोजीशन पे आता है, वी आर वॉलन, और फारन जो है इन्फिनिटिव वर्ब, वो हमेशा सेंटेंस के एंड में आता है, जट्स एंड। जो बीच में टेम्पोरल अनगाबा और लोकल अनगाबा है, वो बेसिक इन्फॉर्मेशन हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर के लिए। वी आर वॉलन डीज इज यार नक्शपानियन फारन, हम लोग इस साल जो है स्पेन जाना चाहते हैं। अब इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है। विल यूज़ होता है जब हम कोई चीज़ विश करते हैं कि मैं ये चाहती हूँ, ये मैं चाहता हूँ। इश विल डीज इस यार इम अक्टूबर उर्लॉब महन, मीन्स आई वॉन्ट टू मेक हॉलीडे इन अक्टूबर दिस ईयर। उर्लॉब मतलब होता है छुट्टियाँ। तो इश विल, विल यहाँ पे कॉन्जुगेट हुआ है, इश सिंगुलर फर्स्ट पर्सन, और माखन जो है इन्फिनिटिव वर्ब है और सेंटेंस के एंड में आया है। दोस्तों चाहत तो होती है, मगर जब हम लोग विल यूज़ करते हैं तो विल जो है अनहर्फलिश माना जाता है, मतलब इसे बहुत सुनने में अच्छा नहीं लगता। इसकी जगह हम लोग बेसर, बेसर मीन्स बेटर, क्या है बेटर है मुश्ट, मुश्ट मतलब भी होता है वॉन्ट। इश मुश्ट आइन आइंजल सिमर, देखा जाए तो दोनों में बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, मगर विल ज़्यादातर अनहोपफुली, जैसे मैंने कहा कि अच्छा नहीं माना जाता, और बच्चे लोग बोलते हैं कि जैसे इश विल आइन शोकोलादा हाबन, मैं एक चॉकलेट लूँगी, जब आप कोई चीज़ की ज़िद करते हैं। तो सेंटेंस के क्योंकि ये मॉडल वर्ब है, इसलिए अच्छा है अगर आपको मॉडल वर्ब के बारे में जानकारी है, अदरवाइज़ आप हमेशा मुश्ट भी यूज़ कर सकते हैं। मुश्ट जो है बेटर है और हेल्पफुलिश है। अभी छोटी सी एक्सरसाइज है, इसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं विल विल के साथ। जैसे क्वेश्चन नंबर वन है, विल्स डू इम विंटर नाख स्वेडन फारन, और टू कल्ट जो है आंसर में आएगा, और ये सारे सेंटेंस जो आंसर्स हैं वो नाइन के साथ बनेंगे, मतलब नो के साथ बनेंगे। क्वेश्चन पूछ रहा है, डू यू वॉन्ट टू गो टू स्वीडन इन विंटर, विल्स डू इम विंटर नाख स्वेडन फारन, तो आप बोलेंगे नाइन इम विंटर इज एज डॉट सू कल्ट, कल्ट मीन्स ठंडा है, नो इन विंटर इट्स वेरी कूल देयर। ओके, विल्स डू फिर से कॉन्जुगेट हुआ है, डू विल्स क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन है, इसलिए विल्स जो है पहले आया है। विल्स डू इन विंटर ना श्वेडन फारन, सू कल्ट मीन्स टू कोल्ड, इट इज़ वेरी कोल्ड, इट इज़ टू कोल्ड इन श्वेडन, दैट्स वाई आई डोंट वॉन्ट टू गो देयर। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर टू है, वॉल्ट ईयर, ये प्लूरल टर्म में है, डू यू वॉन्ट ऑल टू गो टू आयरलैंड इन स्प्रिंग, फ्रूलिंग, फ्रूलिंग मतलब, अच्छा मैं एक बारी क्वेश्चन पढ़ देती हूँ, वॉल्ट ईयर इम फ्रूलिंग नाख आयरलैंड फारन, वॉल्ट ईयर इम फ्रूलिंग नाख आयरलैंड फारन, डू यू वॉन्ट टू गो टू आयरलैंड इन स्प्रिंग, आंसर है नाइन इम फ्रूलिंग इज दस डॉट सू स्टोमिश, नो इन स्प्रिंग इट्स वेरी स्टॉमी डियर, स्टोमिश मतलब तूफानी है। क्वेश्चन नंबर थ्री, वॉलन जी इम हेप्स नाख शॉटलैंड फारन, आंसर में हम लिखेंगे सू नेबलिश, नेबलिश का मतलब होता है धुंध। हाँ, वॉलन जी अगेन ये हेल्पफुलिश है क्योंकि एस जो है कैप्स में आया है, सॉरी इनफॉर्मल फॉर्मल है ये, वॉलन जी इम हेप्स नाख शॉटलैंड फारन, डू यू वॉन्ट टू गो टू स्कॉटलैंड इन ऑटम, नाइन इम हेप्स इस एस डॉट सू नेबलिश, नो इन ऑटम इट्स वेरी फॉगी देयर। आई होप दोस्तों आपको मॉडल वर्ब विल अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरीज हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे कमेंट कीजिए।
लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर मेरे फ्रेंड बनिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए देखते रहिए मेरे वीडियोस, तब तक के लिए चूस।